ठीक है, ये था आपका मल्टी लेवल। ठीक है, फिर आते हैं मल्टीपल इनहेरिटर्स। तो यहाँ पर मल्टीपल बेस क्लास होती, ठीक है, मल्टीपल बेस क्लास होती इसमें, और इसमें क्या है, ड्राइव क्लास, ठीक है, उसकी ड्राइव क्लास होती है, ठीक है, और उससे ज्यादा भी ड्राइव क्लास हो सकते हैं, ठीक है। बट क्या है, जावा में ना मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन जावा थ्रू कंसेप्ट ऑफ क्लास, ठीक है। फिर आता है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है, ठीक है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी क्या है कि किसी क्लास का एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन होता है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी ना जावा में सपोर्ट नहीं होता, ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन भी क्या है, जावा में सपोर्ट नहीं होता, ठीक है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है। हाइब्रिड में मैंने आपको क्या बताया था, हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, किसी कॉम ये क्या है कि और अदर क्या है, इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, तो जावा में ना ये वाला इनहेरिटेंस भी सपोर्ट नहीं करता। फिर आपका आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक आपकी बेस क्लास होती है, ठीक है, और उससे ज्यादा हम ड्राइव क्लास बनाते हैं, और ड्राइव क्लास में ना उसके हम फीचर यूज करते हैं अदर अदर ड्राइव क्लास में, ठीक है। तो ये आपका होता है पेरेंट चाइल्ड लाइक रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसका कोड ना मैं आपको ना होमवर्क के असाइनमेंट जो भी समझ लीजिए, ठीक है, जिसको जितना टाइम लेना है ले, चाहे नेट को सर्च करे, ठीक है, मतलब देखो मैं इतना तो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है, आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप भी कुछ सर्च करें, ठीक है, सर्च करें तो आप कुछ नई चीजें देखेंगे, बट ना कंप्लीटली ना आपको इसको खुद को बनाना है, ठीक है, जब तक ना बने खुद से ट्राई करो, जब से ट्राई करो, ठीक है। तो इससे भी क्या है कि आपकी कुछ स्किल इंप्रूव होगी और आपको कई डाउट आएंगे, ठीक है, और सब अलग अलग टाइम ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कल ही बताना है, ठीक है, सब अपना अपना अलग टाइम ले सकते हैं, ठीक है, पर जिसको जो डाउट आएगा मैं क्लियर कर दूंगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस पर, ठीक है। तो इसका ना कोड आपको बनाना है, ठीक है, आपको सब अपना अपना टाइम ले सकते हैं, ठीक है, आप नेट पे सर्च करना, ठीक है, उसको पढ़ना, ठीक है, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते, रन करना, ठीक है, ये ना मैं आपको ले दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे थे पांचों इनहेरिटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इनहेरिटेंस एंड होता है, ठीक है। अभी किसी को कोई डाउट है इनहेरिटेंस को लेकर, इनके टाइप्स को लेकर, यस बोलिए। सर, वो जो सिंगल वाला है वो आप एक बार पीपीटी शेयर कीजिए ना उसकी। सिंगल इनहेरिटेंस ये वाला, सर हाँ, इसमें सिंगल बेस क्लास होती है, सिंगल ड्राइव क्लास होती है, सर मुझे ये डाउट है कि जैसे जो क्लास साइंस है हाँ उसपे हम फैकल्टी क्लास को मतलब उसके फीचर्स ऐड कर हाँ हमने लिया है क्लास फैकल्टी फ्लोट सैलरी, तो ये लिखना इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर ये, यस अच्छा सर नहीं नहीं ये नहीं यस है, सर नहीं है, लो नहीं है, तो अगर हम नहीं नीचे प्रिंट करेंगे उसको तो प्रिंट हो जाएगा वो। नहीं नहीं फिर यदि हम देखो हमने यहाँ पर फिर बोनस मिटा दिया, तो यहाँ बोनस को प्रिंट नहीं करेंगे हम, बोनस कहाँ से आएगा, ठीक है। बट ना हम ये सैलरी को एक्सेस कर सकते हैं, हम मेन कॉन्सेप्ट तो ये है ना सिंगल इनहेरिटेंस का, वो तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया था कि भाई ऑब्जेक्ट खुद की क्लास का तो भाई प्रिंट करता है और दूसरी क्लास का भी कर सकता है, इसलिए मैंने मनाया था, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सर मतलब जो फैकल्टी क्लास को हम यूज कर रहे हैं तो उस क्लास को ऊपर लिखना इम्पोर्टेंट है कि क्लास फैकल्टी के अंदर फ्लोट सैलरी है। ये वाला बोल रहे हैं ना, ये वाला बोल रहे हैं, हेलो, क्लास फैकल्टी फ्लोट सैलरी इसका बोल रहे हैं ना, फैकल्टी बेस क्लास, अगर हम सिर्फ साइंस क्लास एक्सटेंड फैकल्टी क्लास लिख दें तो सैलरी एक्सेस नहीं हो पाएगी। यदि आप इसको लिखोगे, अच्छा आप मतलब इसको नहीं लिखोगे, मतलब कुछ को, ये बोल रहे हैं, यस सर और अगर हम फैकल्टी को एक्सटेंड कर दें तो सैलरी प्रिंट नहीं होगी।
जब हम फैकल्टी को लिखेंगे ही नहीं। सर मतलब उनका कहना है कि वो ऑब्जेक्ट मतलब जो साइंस लिया है उसके बदले फैकल्टी ले लेंगे तो होगा प्रिंट। नहीं नहीं ऐसा मतलब नहीं था मेरा। हाँ बताइए बताइए। हाँ फिर से बताइए। चलो हाँ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ अभी। सर जो क्लास साइंस एक्सटेंड फैकल्टी लिखा है हमने उसमें फैकल्टी क्लास का यूज किया है। हाँ तो वो लाइन के ऊपर जो क्लास फैकल्टी फ्लोट सैलरी लिखा है अगर हम उसको ना लें और नीचे एक्सटेंड फैकल्टी करें तो क्या सैलरी प्रिंट होगी? जब देखो जब सैलरी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो प्रिंट कहाँ से हो जाएगी? एरर होगा, एरर दे देगा। मतलब सर हमें जितनी भी क्लासेस को फैकल्टी को जैसे अगर हमने एक्सटेंड किया है तो उसके ऊपर हमें उसका थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। कोड मतलब क्या है कि यदि हमने कोई बेस क्लास बनाई है, ठीक है, बेस क्लास, समझ गए ना मेरी बात को, समझो बेस क्लास, ठीक है, तो बेस क्लास भाई हम क्यों बना रहे हैं कि भाई हमारा कुछ फीचर है इसमें, ठीक है, फीचर बना रहे हैं, ठीक है, और बेस क्लास हम क्यों बनाते हैं कि भाई हमने कुछ बेसिक बेस मतलब बना लिया, उसको अदर क्लासेस क्या है यूज कर सकती है, अदर क्लासेस क्या है यूज कर सकती हैं, ठीक है, तो भाई हम इसमें कोई फीचर ही नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो फिर हम क्या इसमें क्या यूज करेंगे? अच्छा बताइए फिर क्या यूज करेंगे हम इसमें? मतलब सर कि अगर हमें किसी क्लास का फीचर यूज करना है तो उसके ऊपर उस फीचर्स को लिखना पड़ेगा। फीचर तो बनाना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, है ना? यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, सबको इनहेरिटेंस और उसके टाइप क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी क्लास को एंड करें। ठीक है, अभी क्लास okay, अभी क्लास को एंड कर रहा है, ठीक है, और जो मैंने लास्ट इनहेरिटेंस दिया है, ठीक है, लास्ट इसका ना आपको कोड खुद देखना है, नेट से सर्च करना है और आपको मिल जाए तो ठीक है, तो फिर आपको बताना है, ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं कि इसका जो मैं आपको वीडियो दूंगा तो वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में भी आप क्या है वो कोड बना के दे सकते हैं। ठीक है, अभी आपकी क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा क्या है, हम कल डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। अभी आपकी क्लास यहाँ पर एंड करता हूँ।